हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आईपीएल रिपोर्टर। आज आपका आईपीएल रिपोर्टर आ चुका है एक और नई मसालेदार वीडियो लेके। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक और नई आईपीएल टीम का टीम प्रीव्यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान रॉयल्स टीम प्रीव्यू। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स पहला सीजन आईपीएल का जीत के पहली बार चैंपियंस बनी थी। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो सबको लग रहा था कि कौन सी टीम आईपीएल का इस नए फॉर्मेट का चैंपियन बनेगी, और उसमें सबसे ऊपर आई थी शेन वॉर्न लीडिंग राजस्थान रॉयल्स। उस राजस्थान रॉयल्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर शामिल थे, जैसे कि यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, शेन वॉटसन और भी कई सारे। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के स्क्वाड की। स्क्वाड पर जाने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं राजस्थान के लास्ट ईयर परफॉर्मेंस की। तो पिछला सीजन राजस्थान रॉयल्स का बहुत ही अच्छा रहा था। वो टीम 2008 के बाद ही पहली बार इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई थी और फाइनल तक गई थी, लेकिन फाइनल में उन्हें गुजरात टाइटंस के द्वारा बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान का सबसे खराब एस्पेक्ट था उनके पास एक भी अच्छा बोलिंग ऑलराउंडर नहीं था, जो कि इस बार मैनेजमेंट ने पूरा कर लिया है जेसन होल्डर को खरीद के। इस बार राजस्थान के टॉप पिक्स थे इस बार के ऑप्शन में जेसन होल्डर, जो रूट, मुर्गन अश्विन और एडम जेम्पा। आइए अब हम ले चलते हैं आपको स्क्वाड्स की तरफ। तो इस बार के स्क्वाड में नजर आ रहे हैं संजू सैमसन, देवदत्त पंडिकल, जॉस बटलर, शिवनाथ हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रयान पराग, केसी करियप्पा, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, नवदीप सैनी, उबेड मकॉय, के एम आसिफ, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, मुर्गन अश्विन, युजवेंद्र चहल, आकाश वशिष्ठ, जेसन होल्डर, डोनन फेरेरा, कुणाल राठौर, एडम जेम्पा, अब्दुल पीए और जो रूट। ये है इस बार की कंप्लीट स्क्वाड। अब इतने सारे प्लेयर्स में से कोई टॉप 11 चुनना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है संजू सैमसन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस बार के रिटेन प्लेयर्स के, जिनके ऊपर पूरा भरोसा दिखाया था मैनेजमेंट ने और उन्हें रिटेन किया था। तो रिटेन प्लेयर की लिस्ट है संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शिवनाथ हेटमायर, देवदत्त पड्डीकल, जॉस बटलर, ध्रुव युरेल, रियान पराग, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, ओबेड मकॉय, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, युजी चहल और केसी करियप्पा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि राजस्थान का परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। जी हाँ, अगर सारे प्लेयर अवेलेबल रहते हैं और कंप्लीटली फिट रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान इस प्लेइंग 11 के साथ अपने पहले मैच में उतरेगी। तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है: जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल, शिवनाथ हेटमायर, रयान पराग, जेसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजी चहल। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली टीम स्ट्रेंथ है इसका स्पिन अटैक। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इतना मजबूत स्पिन अटैक तो शायद किसी भी टीम का नहीं, और इंडिया के टर्निंग ट्रैक्स पर ये स्पिन बहुत ही काम आने वाली है। तो टीम की अगर बात करें तो इसमें शामिल है सबसे बड़े विजर्ड ऑफ स्पिन युजी चहल, ब्रेन वाले स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, एडम जेम्पा, मुर्गन अश्विन। ये चारों स्पिनर्स किसी भी मैच को पलटने का दमखम रखते हैं, और आशा करेंगे हम कि इनमें से कोई दो तो कम से कम टीम में रहे ही रहे। अब चलिए हम बात करते हैं टीम की सेकेंड स्ट्रेंथ की। तो इसका सेकंड स्ट्रेंथ है इसकी पेस अटैक। जी हाँ, इसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे पेसर्स हैं जो शायद और किसी टीम के पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोकल टैलेंट की बात करें तो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी और कुलदीप सेन भी हैं। कुलदीप सेन भी आजकल बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने एक रीसेंट वीडियो में देखा था कि कैसे वो लगातार 147-148 की डिलीवरीज फेंक रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बाहर के टैलेंट की तो इसके पेसर्स हैं ओबेड मकॉय और ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट जो कि जाने जाते हैं अपनी स्पेशल डेथ बॉलिंग के लिए। तो इस बार राजस्थान का ओवरऑल बॉलिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो टीम के पास सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है इसके पास कोई बड़ा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। ऐसा कोई भी ऑलराउंडर टीम में शामिल नहीं है जो पांचवें छठे नंबर पर आके 250 के स्ट्राइक रेट से या उसके ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बना सके, वो भी बहुत तेजी से, जैसे बाकी टीम के पास बेन स्टोक्स और आंड्रे रसल है, वैसा कोई भी प्लेयर टीम के पास शामिल नहीं है। टीम को रिलाई करना पड़ेगा जेसन होल्डर और रयान पराग के ऊपर, जो इतने ताबड़तोड़ अंदाज से नहीं खेल सकते। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं इस बार के हमारे प्रेडिक्शंस की। तो इस बार हमारे हिसाब से टॉप बैटर रहने वाले हैं राजस्थान के संजू सैमसन, टॉप बॉलर युजी चहल, टॉप ऑलराउंडर जेसन होल्डर और एक्स फैक्टर होंगे कुलदीप सेन और शिमरन हेटमायर। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान रॉयल्स का टीम प्रीव्यू। अगर टीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको पता है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।